हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम श्याम। चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स को थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच। कुछ मिठाई खाने का मन करे ना, रियली इससे अच्छी कोई मिठाई हो ही नहीं सकती। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बाउल बेसन लिया है। ये मोटे वाला बेसन है, आप फाइन बेसन भी ले सकते हैं। ये बेसन 250 ग्राम है। मैंने 1 बाउल शुगर ली है, ये भी 250 ग्राम है। और यहाँ पे देसी घी लिया है मैंने 1 बाउल, ये भी पाव यानी 250 ग्राम ही है। हाँ, ये जो घी है ये सारा नहीं लगेगा, हम इसे डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। हमने हमेशा देखा है जो हम बेसन के लड्डू खाते हैं उसमें चीनी हल्की करारी सी रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तगार बना लेंगे। अगर हम चीनी को पीस देंगे तो वो एकदम से पाउडर बन जाएगा और लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल शुगर ले ली है और अब हम इसमें 1/2 बाउल पानी ऐड करेंगे और अपनी गैस को ऑन कर लेंगे। और अब हम इसे स्टर कर करके जो चीनी है उसको बिल्कुल चला लेंगे। हमें इसे बिल्कुल कंटिन्यू चलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चीनी ही पक जाए। तो हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। और अब ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से पिघल चुकी है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे हमारे तगार में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आएंगी। और ये मैंने घी उसी बाउल से लिया है। अभी रुकना नहीं है, कंटिन्यू से स्टर करते रहना है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और अभी भी हमारा हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसे कंटिन्यू चलाना है। ध्यान रहे, अगर हम चीनी को पूरा पका देंगे पानी को उड़ा के तो चीनी अपना कलर छोड़ देगी और फिर वो चीनी अच्छे से सेक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इसे हमें, जब हम चीनी को मेल्ट करेंगे तो ओनली 5 मिनट के लिए करना है। फिर आप सेम टाइम गैस को बंद कर देना। अभी देखिए हम इसे कंटिन्यू चलाना है बिल्कुल। ये देखिए जैसे जैसे हमारी चीनी ठंडी होती जाएगी, ये एक रवे की जैसे एकदम जैसे सूजी होती है वैसी हो जाएगी। बट इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो रियली ये तगार जो हमारा है बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये अच्छा बना तो लड्डू तो अपने आप ही अच्छे बनेंगे भाई। चलो तो फिर लगे रहो। चलो अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और जो बेसन के लड्डू में दूसरा काम होता है फटाफट उसे कर लेते हैं। वो होता है बेसन के लड्डू को भूनना। अब हम इसमें घी डाल लेंगे, ये देख ली, थोड़ा सा घी इसमें रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 बाउल बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने देंगे। अगर आप तगार नहीं बनाना चाहते तो आप इसे बूरा यानी कि खान में भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमने इसे बिल्कुल अच्छे से चला लिया है। अब हम अपना दूसरा बाउल बेसन का डाल लेंगे और इसे भी बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें हल्का सा घी कम लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। ये घी मैंने घर पे ही बनाया है और अब हम इसे कंटिन्यू चला लेंगे। इसे बिल्कुल सिम फ्लेम पे ही भूने। इसका एक सीक्रेट मैं बताती हूँ, जब ये भून जाएगा तो ये घी अपने आप छोड़ देगा। ये देखिए अभी तो ये नहीं भूना है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो वेट करते हैं और इसे कंटिन्यू चलाते रहते हैं, लगे रहो। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं मुझे कंटिन्यू चलाते हुए, ये पहले से थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और अभी तो इसे चलाते रहना है, ये अभी अच्छे से भुना नहीं है, इसे हमें और भुनना है। तो कंटिन्यू चलाते रहो। और ये देखिए फाइनली जो हमारा बेसन है वो हल्का हल्का सा घी छोड़ने लगा है। अब इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से चलाएंगे बिकॉज इसमें जो कलर है वो अभी नहीं आया है। और अभी अच्छे से नहीं भुना है तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम और भून लेते हैं। और ये देखिए हमारा बेसन भून के रेडी है। अब हम इसमें कलरिंग के लिए, जिससे हमारे लड्डू का कलर अच्छा है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। इसमें फूड कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे 2 मिनट के लिए फिर से चलाते रहेंगे। देखो अगर आपने बेसन को अच्छे से भून लिया ना तो रियली आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। और इसे बॉटम पे बिल्कुल भी ना लगने दें, ये ना हो कि आप चलाते रहें बॉटम से ये पक जाए और ऊपर से कच्चा रह जाए। तो इसलिए इसे बिल्कुल ऐसे अच्छे से चलाते रहना है। और ये देखिए
हमारा बेसन एकदम से भुनकर रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलो जब तक हमारा बेसन ठंडा होता है हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें हम अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। कट करके फ्राई ना करें, इन्हें ऐसे ही फ्राई करना है। हमारे बादाम भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें ठंडा होने तक वेट करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप गैस को ऑफ कर देंगे तब भी इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, और हमारी कढ़ाई गर्म है इसलिए ये नीचे से लग सकता है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें जब तक ये हल्का ठंडा ना हो जाए। और अब हम अपने बादाम को एक प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब अपनी फिंगर की हेल्प से इसे चेक कर लें। चलो अब ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और अब हम इसमें अपनी तगार डाल लेंगे। इसे क्रश करके डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपनी तगार को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए अभी हमारे लड्डू बनने लगे हैं, मतलब इसमें और घी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सफिशियंट है। चलो अब लड्डू बना लें। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम लड्डू बनाने जा रहे हैं तो इसे हल्के गर्म में ही बनाएं। अगर आपने ये बिल्कुल ठंडा करके बनाए तो इसके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए अभी ये हल्का सा गर्म है, इसे ऐसे लेके प्रेस करते जाएंगे दोनों हैंड्स में और अब इसे गोल गोल घुमा लेंगे। ये हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री श्याम बोल देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।